अगर आप भी मेरी तरह एक ही स्मार्ट वॉच डेली पहनते हो तो आपके दिल से यही आवाज निकलती होगी, मजा नहीं आ रहा है। अबे मजा आएगा कैसे, क्योंकि आजकल की स्मार्ट वॉच कंपनीज वॉच के साथ सिर्फ एक ही स्ट्रैप देती है। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैंने आपके लिए मंगवा ली है एक ऐसी स्मार्ट वॉच जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 7 स्ट्रैप, वो भी फ्री ईयरबड्स के साथ। तो चलिए फिर इसे अनबॉक्स करते हैं एंड आपको बताते हैं क्या ये वॉच वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। ऑल राइट गाइस, कुछ इस टाइप की भारी भरकम पैकेजिंग इस वॉच की आती है जिसके मिडल में हमें स्मार्ट वॉच 7-in-1 कॉम्बो लिखा मिलता है। बाय द वे, जैसे ही इसका बॉक्स ओपन होता है यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलती है यूजर मैनुअल, जिसे मैं इन सर्दियों में आग लगा ही दूंगा तो कोई फायदा नहीं है इसे देने का। इसके अलावा ये वायरलेस चार्जिंग केबल दी गई है जो आपकी वॉच को अराउंड 2 घंटे में पूरा चार्ज कर देगी। देन ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए ये चार्जिंग केबल भी मिल जाती है। वहीं इसके ठीक बाद आती है ये एप्पल एयरपोर्ट्स की कॉपी, जो नॉर्मल मार्केट में आपको 200 से 250 रुपए की इजीली मिल जाएगी। बट प्लीज इसकी साउंड क्वालिटी और बैटरी बैकअप पर भरोसा मत करना, उतनी ज्यादा खास नहीं है, पर ये फ्री में मिल रहे हैं तो उसकी बात अलग ही है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे एवरेज लगी, उतनी ज्यादा खास नहीं है। आगे स्ट्रैप्स की बात करें तो 7 अलग अलग तरह के स्ट्रैप्स दिए गए हैं, जिसमें से ये पहला वाला काफी मस्त लग रहा है, जिसे वियर करने के बाद लुक्स कुछ इस टाइप की निकलने वाली है। एंड अगर आपकी रिस्ट मोटी है तो ये स्ट्रैप्स आपके हैंड पर काफी अच्छे लगेंगे। देन इसके बाद ये ग्रीन कलर का एल्पिन लूप स्ट्रैप दिया गया है, जिसकी क्वालिटी मुझे पिछली वाली से थोड़ी कम लगी, लेकिन फिटिंग वगैरह काफी अच्छी आ रही है। वैसे ये एल्पिन लूप स्ट्रैप आपको लोकल मार्केट में 200 रुपए का पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आते हैं ये नाइक एडिशन वाले स्ट्रैप्स, जो 45mm की साइज वाली वॉचेस के लिए परफेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें रिस्ट पर वियर करने के बाद लुक्स काफी यूनिक से आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इन ओशन लूप स्ट्रैप्स की, तो ये पतली रिस्ट वालों के हाथ में काफी बड़े से लगते हैं, लेकिन जिनकी रिस्ट थोड़ी वाइडर है उनके हाथ में ये काफी मस्त लगेंगे। नेक्स्टली 45mm के साइज में ये ब्लैक कलर के सिल्कन स्ट्रैप्स दिए गए हैं, जो मुझे रिस्ट पर पहनने के बाद काफी कंफर्टेबल लगे। ऐसी कोई टाइटनेस एंड लूजनेस मुझे फील नहीं हुई जब मैंने वियर किया। देन 6 नंबर पर आते हैं ये ब्लैक कलर के मेटेलिक स्ट्रैप्स, जो नॉर्मली आपको एक्सपेंसिव स्मार्ट वॉचेस में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी फिटिंग रिस्ट पर काफी मस्त आती है और लुकिंग वाइज भी आपकी रिस्ट पर काफी अच्छे जचते हैं। मींस पार्टी फंक्शन में आप इन स्ट्रैप्स को पहन के जा सकते हो। बाकी 2 सेम कलर के ओशन लूप स्ट्रैप्स प्रोवाइड करने से अच्छा अलग अलग कलर्स के प्रोवाइड करते तो ज्यादा बेटर रहता। नेक्स्टली आउटर बॉडी पर नजर डाले तो यहाँ पर क्राउन बटन दिया गया है, मिडल में नॉइस कैंसिलेशन वेंट, देन एक पावर बटन। वहीं बैक साइड में स्क्रूज वगैरह प्रोवाइड नहीं किए गए, ओनली प्रिंटिंग कर दी गई है। लेकिन हाँ, इस वाली साइड पर ये स्पीकर वेंट मिल जाती है, देन ये एक्शन बटन, और ये दोनों ही वर्किंग कंडीशन में है, जो मैं आपको आगे शो करूंगा। बाय द वे, जैसे ही ये स्मार्ट वॉच ऑन होती है यहाँ पर आपको हेलो का लोगो देखने को मिलेगा, देन ये वॉच ऑन हो जाएगी। बात कर ले इस स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले की, तो 1.92 इंच का एक HD डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी कलर एफिशिएंसी प्राइस को देखते हुए ठीक ठाक है। वहीं बैटरी बैकअप भी इसका एवरेज है, मतलब एक सिंगल चार्ज पर आराम से ये 3 से 4 दिनों तक चल जाती है। देन अगर आपको इनकमिंग नोटिफिकेशन वगैरह चेक करनी है तो डिस्प्ले को अप से डाउन स्क्रॉल करना होगा। वही मेन्यू बार के फीचर्स के लिए डाउन से अप, जहाँ सबसे पहला फीचर हमें दिया गया है फ्लाइट मोड इनेबल और डिसेबल करने का। देन आप चाहो तो यहीं से म्यूजिक प्लेयर को भी कंट्रोल कर सकते हो, प्लस DND मोड को यहीं से ऑन ऑफ भी कर पाओगे। बात रही वॉच के साथ आने वाली एप्लीकेशन की, तो इस वाले QR को स्कैन कर लेना। देन अगर आपको यहीं से मेन्यू स्टाइल्स वगैरह चेंज करने हो तो सिंगल टैप करके कर सकते हो। बाकी एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि इस वॉच का जो एक्शन बटन है वो वर्किंग है, तो जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं, देन जितने भी स्पोर्ट्स मोड है इस वॉच में वो सभी यहां पर शो हो जाते हैं। बट क्या ये सभी हेल्थ फीचर्स रिलायबल है या फिर नहीं, वो सब आपको आगे। बाय द वे, UI एंड रिफ्रेश रेट की बात कर ली जाए तो इसका UI मुझे स्मूथ लगा, ऐसे कोई लैग्स एंड फीचर्स मैंने फील नहीं किए, चाहे वो टच कंट्रोल्स हो या फिर क्राउन कंट्रोल्स, जो अपनी अपनी जगह पर परफेक्टली काम कर रहे थे। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इसकी IP रेटिंग पर भरोसा मत करना, यानी इसे पानी से दूरी रखना। अब अगर मेन फीचर्स पर गौर कर ले तो यह सबसे पहला फीचर दिया गया है कॉलिंग का, जिसके जरिए आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो, प्लस 50 कॉन्टेक्ट्स को सेव भी कर पाओगे। बट प्लीज हाथ जोड़े कहता हूँ, इसके सेंसर्स पर भरोसा मत करना, क्योंकि रिलायबल नहीं है। मींस जितने भी हेल्थ फीचर्स या फिर स्पोर्ट्स मोड इस वॉच में दिए गए हैं आपके किसी भी काम के नहीं है। वही कुछ दिन पहले मैंने इस वाली वीडियो में एक गिव अवे रखा था, जिसका रिजल्ट संडे को आएगा, सो प्लीज इंस्टाग्राम लाइव ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड अगर आप में से अभी भी कोई इस गिव अवे में ज्वाइन होना चाहता है, सो प्लीज वो वाली वीडियो देख लेना। वीडियो में आगे बढ़े, सो अगर आपको अपने वॉच के थ्रू स्मार्टफोन के कैमरे को कंट्रोल करना है, सो आप इस फीचर के थ्रू कर सकते हो। एंड अगर म्यूजिक वगैरह सुनना है, सो वो भी सुन पाओ।
पाओगे। प्लस इस वॉच में करंट वेदर वगैरह भी चेक हो जाएगा, बस आपकी स्मार्ट वॉच स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। बाकी नंबर ऑफ इनबिल्ट मेन्यू सेल्स की बात कर ले तो उनके नंबर है 7, मींस हफ्ते के 7 दिन अलग अलग तरह के मेन्यू सेल्स चेंज कर सकते हो। इवन सिरी वॉइस फंक्शनैलिटी का भी सपोर्ट मिलता है। वहीं आप चाहो तो इस वॉच में 12 आवर्स का टाइम फॉर्मेट भी सेट कर सकते हो, क्योंकि आजकल मोस्टली वॉचेस में 24 आवर्स का टाइम सेटअप आता है। देन व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक तीनों एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया है, बट आप ओनली नोटिफिकेशंस को ही रिसीव कर सकते हो, यहां से आप किसी अदर पर्सन को रिप्लाई नहीं कर सकते। ऑल राइट, अब कर लेते हैं इस वॉच का म्यूजिक साउंड टेस्ट, जिसके लिए मैं अपनी साउंड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लूंगा। इसकी साउंड क्वालिटी को रेटिंग दी जाए सो बहुत ही लो है, मींस इस वॉच में साउंड बहुत ही लो लेवल पे आती है। ऑलराइट गाइस, सिंपली कहूं सो स्ट्रैप्स वगैरह तो ठीक है, बट मुझे स्मार्ट वॉच उतनी खास नहीं लगी, बट फिर भी 1500 के हिसाब से जितनी भी चीजें इसके साथ दी गई है सफिशिएंट है। बाकी बात रही इसे बाय करने की, सो आप इसे बाय कर सकते हो जोन अल्फा की ऑफिशियल वेबसाइट से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन फिर भी इसे अपने रिस्क पे ही बाय करना, क्योंकि ये क्लोन वॉच है एंड क्लोन का भरोसा नहीं कब तक चलेगी। बट हमारा काम है आपको टेक्नोलॉजी शो करना, जो हम हमेशा करते रहेंगे। तो फिर जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।